आपने इकरार पे से दूसरी शादी की? मैंने इकरार से दूसरी शादी नहीं की, इकरार ने मुझसे दूसरी शादी की। आपने सुना होगा कि हर कामयाब मर्द के पीछे औरत का हाथ होता है, तो इकरार भाई के पीछे तो दो औरतों का हाथ है। आयशा इकरार वाला मामला हुआ था, इकरार भाई के भी हेट कमेंट्स आए, आपको लगता है उसमें इकरार भाई की गलती थी? लोग हाथ उठाने से भी गुरेज नहीं करते थे। एक फैमिली है वो इकरार भाई के अगेंस्ट इंटरव्यूज दे रही है कि ये हमारी को डोनेशन खा गए। कुछ लोग कहते हैं कि इकरार भाई जाके इंटरव्यूज को डिलीट भी करवाते हैं, तो इकरार भाई से डरते भी हैं कहीं सरेआम की टीम ना हो। इकरार भाई ने किस तरह से आपको इंप्रेस किया? इकरार बस करो, बहुत हो गया। जो हमारी दूसरी भाभी ज्यादातर घर में रहती हैं, तो आपको कहीं काम करने के लिए तो नहीं रखा हो? इकरार भाई एआर पे भी काम कर रहे हैं, यूट्यूब पे भी काम कर रहे हैं, आप लोगों का बेटा भी है वो भी यूट्यूब पे काम कर रहा है, तो पैसे कितने कमा रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेजबान अली हमजा और आप देख रहे हैं डेली पॉइंट। नाज़रीन आज हम आपकी मुलाकात बड़ी ही खास शख्सियत से करवाने वाले हैं। आज हमारे साथ मौजूद है हमारी भाभी फरा इकरार साहिबा। फरा आप ही मुझे सबसे पहले ये बताएं कि आपने इकरार भाई से दूसरी शादी की, तो यहाँ पे पक्ष? मैंने इकरार से दूसरी शादी नहीं की, इकरार ने मुझसे दूसरी शादी की। कि सेकंड वाइफ बनना पाकिस्तान में एक ये नहीं सोच सकता कोई, हालांकि हमारे इस्लाम में तो चार शादियों की इजाज़त है, लेकिन हम लोग 1000 साल इंडियन कल्चर में रहे हैं, हम लोग दूसरी शादी को अच्छा नहीं समझते। तो किस तरह से आपने खुद को एग्री किया या इकरार भाई ने किस तरह से आपको इम्प्रेस किया? देखें कुछ चीज़ें होती हैं जो किस्मत की तरफ से होती हैं, और मैं ये कहूँगी कि अगर आप किसी भी लॉ के मुताबिक देखें, चाहे वो पाकिस्तान का लॉ हो या हमारा शरई कानून हो, उसमें इसमें कोई कबाहत नहीं है। अपने अपने सर्कमस्टांसेस होते हैं, बाज़ोकात लोग दो से ज़ायद भी शादियां करते हैं, तो मुझे लगता है कि ये बड़ी पर्सनल चीज़ें होती हैं, जिसकी जो चॉइस है उसको करने दिया जाए, और ज़्यादा बर्डन आदमी के ऊपर आ जाता है क्योंकि उसने करना होता है इंसाफ, अल्लाह को भी उससे जवाब देना है, और सोसाइटी की तो क्या ही बात है। सोसाइटी वो एक गाना है ना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, तो आप अच्छा करें बुरा करें स्याह करें सफ़ेद करें, बातें आपको सुननी पड़ती हैं, सुननी पड़ेंगी। बस आप का जहन यहाँ से पॉजिटिव होना चाहिए तो आपकी ज़िंदगी आसान हो जाती है। फिर भी सौतन के साथ का एक्सपीरियंस कैसा रहा? एक तो ये जो लफ्ज़ सौतन है ना, इससे मुझे इख्तलाफ है। देखें आपकी फैमिली होती है, फैमिली में बहुत से मेंबर्स होते हैं, अगर आप एक शख्स है जो पहले से मैरिड है, उसकी बीवी मौजूद हैं और आप उसके साथ शादी कर रहे हैं, तो आपको ये एक्सेप्टेंस होनी चाहिए कि ये मेरी फैमिली है और फैमिली मेंबर हैं। अगर आप पहले से नेगेटिव सोच के जाएंगे तो वो तो फिर रिश्ते की बुनियाद ही ठीक नहीं है, तो वो आगे कैसे चलेगा, फिर होते हैं मसले। तो जब आप अच्छी जहन के साथ सबको फैमिली एक्सेप्ट करते हुए उस फैमिली का हिस्सा बनेंगे तो फिर ऐसा कुछ नहीं होता। अच्छा, मैंने देखा कि आप टीवी पे शो भी कर रही हैं, उसके अलावा बिजनेस भी कर रही थी। जो हमारी दूसरी भाभी वो ज़्यादातर घर में रहती हैं, तो आपको कहीं काम करने के लिए तो नहीं रखा हो? जो आप लोगों की बड़ी भाभी हैं वो भी काम करती हैं, उनका एक मैगज़ीन है लाइव मैगज़ीन के नाम से वो चलाती हैं, उससे पहले वो ARY से एसोसिएटेड थी, एक्सप्रेस न्यूज़ पर भी वो काम करती रही हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो शुरू से हाउसवाइफ थी, वो बाद में बाय चॉइस उन्होंने अपना पेशा छोड़ दिया और अभी भी वो मैगज़ीन कर रही हैं। कराची से इधर आने की क्या वजह थी? वहाँ पर कोई वो कोई खदशा तो नहीं आ गया था, कोई चीज़ें नहीं आ गई? वो वाला ज़माना गुजर गया, एक ज़माने में आती थी लोगों को पर्चियाँ, लेकिन फॉर्चुनेटली हमारे पास नहीं आई, हम खुशकिस्मत हैं। और बड़े लोग क्यूरियस होते हैं, वो इकरार भाई से डरते भी हैं, इसी वजह से भी होता है पर्ची नहीं आई कि कहीं सरेआम की टीम ना पहुंच। लोग अगर डरते होते ना तो हमारी चीज़ें बहुत बेहतर हो गई होती, लेकिन लाहौर आने की सिर्फ एक ही रीज़न थी कि हमारा अपना आबाई शहर है, यहाँ सारे ख़ानदान के लोग रहते हैं, हम जॉब की गर्ज से वहाँ थे, और अब ज़ाती घर यहाँ बन रहा है, फैमिली हाउस, तो इस वजह से हम शिफ्ट हो गए। और आपका उधर वो बटकराही के नाम से एक रेस्टोरेंट भी था, तो उसका क्या बना, वो अभी कर रहे हैं या उसको सेल आउट कर दिया? वो अभी नहीं कर रहे, उसकी मैनेजमेंट अब किसी और के पास है, हम अब उससे लातालुकी का इजहार कर चुके हैं। आई थिंक इकरार की वीडियो भी आपने देखी होगी इस बार। इकरार भाई भी ARY भी काम कर रहे हैं, यूट्यूब पर भी काम कर रहे हैं, आप लोगों का बेटा भी है वो भी यूट्यूब पर काम कर रहा है, तो पैसे कितने कमा रहे हैं? मुझे तो महीने कितने पैसे आए होंगे, 18,000 रुपीज़, जिसमें मेरी जिसमें मेरी एक टीम भी है, क्योंकि मैं YouTube पे इंतहाई कम वीडियोस बनाती हूँ, वो एक मेरा शौक है। ज़ाहिर है चैनल पे आप वो काम करते हैं जो चैनल को चाहिए होता है, YouTube पे आपका जो दिल करता है ना, आप मैं खाना भी बना रही हूँ तो मैं वीडियो बना सकती हूँ, जो दिल करता है वो भी करते हैं, तो उसमें मिलियन व्यूज होते हैं और लाखों रुपये आ रहा होता है। नहीं लाखों नहीं बताया मैंने, इसमें ही मुझे 18,000 आया, मैं आपको बैंक का वो भी दिखा सकती हूँ। आप भी मुझे बताएं कि इकरार भाई सरेआम शो करते हैं, उसमें वो मुख्तलिफ सिचुएशंस में भी फंस जाते हैं अक्सर, कुछ उस तरह के मामले भी होते हैं, लोग फिजिकल भी हो जाते हैं, और ये जब सिंध असेंबली वाला मामला हुआ था, मैंने सुना कि वो कुछ दिन उनको लॉकअप में भी रहना पड़ा था, तो डर नहीं लगता कभी? समझाया नहीं कि इकरार बस करो बहुत हो गया? शुरू शुरू में ना थोड़ा सा खौफ आता था, पूरी फैमिली को ही डर लगता था, एक नया काम था, एक चैलेंजिंग जॉब थी, और लोग हाथ उठाने से भी गुरेज नहीं करते थे, लेकिन बाद में जैसे इकरार बहुत पैशनेट हैं अपनी सोसाइटी को लेके, अपने मुल्क को लेके, और फिर लोगों की इतनी दुआएं मिलती हैं, तो अब बड़ा हौसला हो गया है।
तो अब हमें पता होता है कि कहीं ना कहीं गए हैं, कोई ना कोई भड्डा हो सकता था, दिल मजबूत हो गए हुए हैं। आप इकरार भी ज़्यादा शोज कराची में करते थे, तो कराची में तो किसी को भी हाथ लगाओ तो कोई भाई आ जाता है कि मैं फलाना भाई हूँ और उठा के ले जाता है, तो कभी इस तरह का मसला तो नहीं देखने को मिला? ऐसा हुआ नहीं। प्रेशर्स आपको पता आते हैं, वो ऑन एयर भी करते हैं प्रोग्राम को, और जो जिनको आप पॉइंट आउट करेंगे जो गलत काम कर रहे हैं, तो फिर वो दिल में चीज़ें रखेंगे भी, धमकियाँ भी देंगे, लेकिन यही बात है ना कि इन चीज़ों से घबरा के आप अच्छाई का रास्ता नहीं छोड़ सकते। अच्छा, अभी मुझे ये बताएं कि ये आयशा इकराम वाला मामला हुआ था, उस पर बहुत से लोग डिस्टर्ब थे, करार भाई भी डिस्टर्ब थे, बाद में उनकी एक वीडियो भी आई, तो आप इस मामले को किस तरह से देखती हैं कि ज्यादती तो हुई थी लेकिन पाकिस्तान ने जो रद्द अमल दिया वो बड़ा ही मुख्तलिफ था, इकरार भाई के भी कुछ यानी कि हेट कमेंट्स आए, क्या कहेंगे सर? असल में हम लोग ना कोई भी बात करने से पहले, जजमेंट देने से पहले ना बिल्कुल सोचते नहीं हैं। ये मैंने देखा है सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा हो गया, और भूल जाते हैं कि ये शख्स कौन है, इसने कितना कंट्रीब्यूट किया है, और एक चीज़ उसकी परसेप्शन किसी के लिए भी गलत हो सकती है। मैं किस चीज़ को अच्छा समझ रही हूँ, हो सकता है असल में वैसा ना हो, या किस चीज़ को बुरा समझ रही हूँ असल में वैसा ना हो। आपको लगता है उसमें करार भाई की गलती थी? गलती नहीं थी, उन्होंने आवाज़ उठाई थी एक चीज़ जो उनको लगी उसके खिलाफ, और आगे चल के आपने देखा कि उनको जब ये महसूस हुआ कि ये चीज़ ठीक नहीं थी तो उन्होंने उस पर सबसे माफ़ी मांगी। मुझे अच्छा ये बताएं कि आजकल एक केस भी चल रहा है, एक फैमिली है वो इकरार भाई को लगातार जो है इकरार भाई के अगेंस्ट जो है इंटरव्यूज दे रही है कि ये हमारी को डोनेशन खा गए, और कुछ लोग कहते हैं कि इकरार भाई जाके इंटरव्यूज को डिलीट भी करवाते हैं, तो वो क्या मामला? नहीं, अभी तो आपने इकरार की वीडियो देखी होगी, मुझे याद आ गया, वो जो खून के आंसू रोने वाली बच्ची के बारे में आप बात करें, YouTube पे इकरार की वीडियो भी मौजूद है और उनका प्रोग्राम भी, तो आप देख सकते हैं कि उसके पीछे क्या फैक्ट्स हैं। थैंक यू सो मच जी। तो नाज़रीन, ये थी इकरार भाई की सेकंड वाइफ फरा इकरार, जो कि उन्होंने बताया कि किस तरह से टीवी शो भी चला रही हैं, अपना बिजनेस भी चला रही थी, इकरार भाई को भी चला रही हैं, और आपने सुना होगा कि हर कामयाब मर्द के पीछे औरत का हाथ होता है, तो इकरार भाई के पीछे तो दो औरतों का हाथ है, वो कैसे नाकाम हो सकते हैं। इसके साथ अपने मेज़बान अली हमजा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।